नमस्कार, मैं हूँ सोनाली और आज हम बनाने वाले हैं सूजी मलाई के लड्डू। ये लड्डू बनाना एकदम आसान है, झटपट बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। तो चलिए सूजी मलाई के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। ये लड्डू बनाने के लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ 1/4 कटोरी घी, गरम हो जाने के बाद इसमें मैं डालूँगी 1 बड़ी कटोरी सूजी, मैंने गैस की फ्लेम बिल्कुल लो मीडियम रखी है। सूजी को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक हम सूजी को भून लेंगे। मैंने सूजी को 5 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें मैं दूध की मलाई डालूंगी। मलाई को सूजी में मिक्स करने के बाद मैं इसमें पीसी हुई चीनी डाल रही हूँ। जितनी सूजी मैंने ली थी उसे थोड़ी सी कम, यानी 3/4 कटोरी पीसी हुई चीनी डाली है। अब इस मिक्सचर में मैं 1 चम्मच इलायची पाउडर डालूंगी, 10 से 12 कटे हुए बादाम, काजू के टुकड़े और थोड़े से पिस्ता के टुकड़े डालूंगी। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है और गैस बंद कर देंगे। पैन अभी भी गर्म है तो इसी हीट से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें मैं 2 से 3 चम्मच दूध डालूंगी। मिश्रण अभी भी गर्म है, दूध डालने की वजह से चीनी पानी छोड़ने लगेगी और गर्म में ही हमें इसके लड्डू बना लेने हैं। ये देखिए ये बन रहा है, अब हम इसके लड्डू बना सकते हैं। ये लड्डू बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा मलाई डाल रहे हो और मलाई की वजह से ही लड्डू नरम बन रहे हैं, अगर ये बंध जाता है तो आपको दूध डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमने लड्डू बनाने के लिए दूध मलाई का इस्तेमाल किया है, इसलिए इन्हें ज़्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकता। आप इन्हें 2-3 दिनों के लिए स्टोर कर सकते हैं, वो भी आप फ्रिज में रखिए, वरना ये बाहर ख़राब हो सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से एकदम बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह मैं सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लूँगी। सूजी मलाई के लड्डू बनकर बिल्कुल तैयार है। जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो बहुत ही आसानी से जल्दी ही आप इसे बना सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।